नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण प्रसाद आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज मैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक सिलेक्ट किया है जो रिसेंटली एक बहुत डिस्कशन में था, स्वेज नहर में ट्रैफिक जैम। जो स्वेज नहर में ट्रैफिक जैम हुआ था इसी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आज देखिए उस पर कैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वेज नहर में ट्रैफिक जाम हुआ था तो कैसे हुआ था ट्रैफिक जाम और उसको कैसे क्लियर किया गया और स्वेज नहर के बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 23 मार्च को एक मालवाहक बोट कार्गो शिप एमबी एवरग्रीन नाम से मलेशिया से नीदरलैंड की ओर जा रहा था। तो 23 मार्च को जब वो स्वेज नहर से पास कर रही थी तो किसी आंधी या तूफान के कारण से वो नहर में स्टक हो गई और फिर बहुत मुश्किल या बहुत कोशिश करने के बाद भी बहुत सारे क्रेन लगे, बोट लगे, पर वो निकल नहीं पाया। तो 6 दिन के बाद से जब एक सुपरमून की स्थिति बनी, सुपरमून बोलते हैं जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक, सबसे नजदीक आ जाता है तो चंद्रमा अपने जो साइज, जनरल साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है उसको सुपरमून की स्थिति कहते हैं। उसमें हमारा समुद्रों में ज्वार और भाटा ज्यादा आता है तो ज्वार ज्यादा आने के कारण से स्वेज नहर में जल का स्तर बढ़ा और जब जल का स्तर बढ़ गया तो हम फिर उसको बोट और क्रेन से निकाला गया। 23 मार्च को एक एवरग्रीन मलेशिया से नीदरलैंड की तरफ जा रहा था। अब ये कैसे स्टक हो गया तो देखिए दोस्तों, स्वेज नहर सपोज कीजिए कि ये स्वेज नहर था और जिसकी विड्थ जो थी 300 मीटर थी, 300 मीटर है और ये जो मालवाहक पोत जा रहा था एमबी एवरग्रीन उसका लेंथ 400 मीटर था और विड्थ 59 मीटर था। तो जब वो ऐसे जा रहा था तो आंधी और तूफान के कारण वो ऐसे स्टक हो गया नदी में। अब ऐसे स्टक हो गया, अब वो निकल नहीं पा रहा था, सीधा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से करीब 350 जहाज आगे और पीछे ट्रैफिक जाम में फंस गए। तो 29 मार्च को फिर क्या हुआ कि हाई टाइड, मैंने बताया आपको कि सुपरमून की स्थिति बनी और जब हाई टाइड आया तो स्वेज नहर में 1.5 फीट जो जल स्तर ऊपर उठा, उसके बाद क्रेन और बोट के सहारे से उसको निकाल लिया गया। अब इसमें लॉस क्या क्या हुआ तो लॉस में बताया जा रहा है कि करीब इतना व्यस्त वो ट्रैफिक है स्वेज नहर का कि $400 मिलियन पर आवर के हिसाब से लॉस हुआ है और इस दरमियान क्रूड ऑयल का प्राइस 2.5% ऊपर हो गई थी। यूरोप में ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि टॉयलेट पेपर का यूज होता है तो टॉयलेट पेपर की स्कार्सिटी हो गई थी और आगे और पीछे 350 जहाज इसके स्टक हो गए थे। थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में देखते हैं कि कैसा है। 1858 में एक स्वेज कैनल कंपनी बनी थी जिसके मालिक थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्वेज कैनल कंपनी की निर्माण किया था जिसमें 50% से ज्यादा शेयर फ्रांस का, ब्रिटेन का और टर्की का था। उसी के उसने 1858 में कंपनी को बनाया और 1859 से 1869 के बीच में कंपनी ने स्वेज नहर बनाने का काम चालू किया और 17 नवंबर 1869 को ये बनकर तैयार हो गई स्वेज कैनल और ये ऑपरेशन में आ गया। शुरू में थोड़ा सा नैरो था, उसका लेंथ जो था 162 किलोमीटर का था और नैरो होने के कारण से वन वे ट्रैफिक उसमें चला करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन किया गया और 2014 से जब थोड़ा एक्सपेंशन किया गया तो उसके बाद उसमें डबल वे ट्रैफिक चालू हो गया। थोड़ा सा इसका सिचुएशन, भौगोलिक सिचुएशन देखते हैं कि कहाँ पे स्विच नहर है। तो इधर हम ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन ओशियन है। अब ये इंडियन ओशियन की तरफ से ये लाल सागर है और अटलांटिक ओशियन की तरफ से ये भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने की काम करती है और वो अफ्रीका को एशिया से डिवाइड भी करती है, अफ्रीका को एशिया से डिवाइड भी करती है। और ये स्वेज नहर जो है वो इजिप्ट कंट्री में पड़ता है। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भूमध्य सागर, तो कोई भी एशिया से जो व्यापार होता है तो पहले अगर स्वेज नहर नहीं था तो यहाँ से जाकर के केप ऑफ गुड होप में जाता था और वहां से होकर के वो यूरोप को जाता था, लेकिन स्वेज नहर के बनने से करीब 6000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और इसी रास्ते से ट्रेड होने लग गया। ठीक है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर के यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद और जो लास्ट पोर्ट आता है लाल सागर में उसको स्वेज पोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये एशिया को यूरोप के साथ समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें देखते हैं 1956 में
जब 1869 में जब ऑपरेशन में आ गया था, उसके बाद फ्रांस ब्रिटेन का उस पर दबदबा था, वो अपने हिसाब से स्वेज कैनल के ऑपरेशन को नियंत्रित करते थे, लेकिन बाद में चूंकि उन स्वेज कैनल कंपनी के साथ बाद में मिस्र का एक संधि हुआ, जिसमें ये कहा गया कि 99 वर्ष के लीज जब खत्म हो जाएगा कैनल कंपनी का, तो उसके बाद ये मिस्र के अधिकार में आ जाएगा। फिर उसके बाद 1956 को इजिप्ट के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने उसको राष्ट्रीयकरण करके अपने अधिकार में, मिस्र के अधिकार में ले लिया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में, स्वेज कैनल को क्रॉस करने में, वो टाइम लगता है 15 से 18 घंटा लगता है, और इसमें जो जलयान की स्पीड होती है वो 11 से 15 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलती है। स्पीड से इसीलिए नहीं ज्यादा चलती है, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड से चलेगी तो हो सकता है कि किनारे के किनारे को वो लहर से टूट जाए, इसीलिए स्पीड से ज्यादा नहीं चलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे होकर के, स्वेज कैनाल से होकर के वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है, मोर देन 12% ट्रेड स्वेज नहर से ही होता है। और पहले 2014 से पहले सिंगल वे ट्रैफिक चल रही थी, जिसके कारण से 24 मालवाहक पर डे निकल पाते थे, लेकिन 2014 के बाद से कहां से लेन बना है, सपोज कीजिए कि ये स्वेज नहर है, तो 2014 से पहले सीधा सीधा एक्सपेंशन नहीं था इसका। अब क्या है कि स्वेज पॉइंट से जाते हैं तो बीच में पड़ता है ग्रेट बिटर लेक, जो 93 किलोमीटर पे पड़ता है, और इधर से पोर्ट सही से चलते हैं तो इधर आते हैं तो 52 किलोमीटर पे बल्लाल बाईपास है। तो बल्लाल बाईपास और ग्रेट बिटर लेक के बीच में 35 से 40 किलोमीटर का जो ये डबल लेन बनाया गया है, जिसके कारण से ट्रैफिक फास्ट हो गया है। ये आप फिगर को आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले जो 2014 से पहले 24 या 25 सिप चला करते थे, अब 48, 49 या 50 सिप इसमें चला करते हैं। तो एक्सपेंशन से पहले जो स्वेज नहर की लेंथ थी वो 162 किलोमीटर की थी, लेकिन एक्सपेंशन के बाद उसकी लेंथ 193.3 किलोमीटर की हो गई, विड्थ जो है 300 मीटर की हो गई, और डेप्थ 24 मीटर गहराई स्वेज नहर की है। तो यही था दोस्तों कि स्वेज नहर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर डिस्कस करेंगे तो एक नहर यहाँ पे पनामा नहर है, पनामा नहर को भी डिस्कस करेंगे और उसका भौगोलिक सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन